भिवानी नगर परिषद घोटाला मामले में उप चेयरमैन मामन की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में 1.5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। वहीं अभी 5.5 लाख रुपए पुलिस ने अभी और बरामद करने हैं। इसके लिए उसकी संपत्ति को पुलिस देख रही है। भिवानी नगर परिषद घोटाले के मामले में रण सिंह निवर्तमान चेयरमैन की व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद उप चेयरमैन मामन का नाम भी सामने आया था। मामन पर आरोप था कि सरकारी जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई गई, हालांकि अभी 3 रजिस्ट्री ही हो पाई थी और जिसके बारे में जानकारी मिलने पर और रजिस्ट्रियां रुक गई। मामन जंग की गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर लिया था। वहीं सब इंस्पेक्टर मोहिंद्र सिंह ने इस मामले में बताया कि नगर परिषद में हुए घोटाले के बाद मामन से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। उन्होंने कई रजिस्ट्रियां करवाई। रजिस्ट्री में अभी तक उन्होंने 7 लाख रुपए का गबन किया है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। अभी मामन की संपत्ति की जाँच जारी है। भिवानी नगर परिषद में घोटाले का एपिसोड चल रहा है। इसमें 24/5 को एक मुकदमा दर्ज, 24/4 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, 251 नंबर। उसमें मामन चंद भी और रण सिंह चेयरमैन भी, इसके अलावा कई अफसर भी नामजद थे। इस मुकदमे में हमने सुरेश अकाउंटेंट को और संजय बंसल को 4 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था, 4/5 को। उनसे जो पूछताछ करी तो उसमें मामन चंद का भी नाम उजागर हुआ था। उसके बाद हमने इस पर प्रेशर बनाया गिरफ्तारी के लिए, जगह जगह दबिश दी, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे रहा। उसके बाद हमने इसका अरेस्ट वारंट जारी करवा लिया। अरेस्ट वारंट के बाद इसने बेल एप्लीकेशन जो लगी वो इसकी हाईकोर्ट से भी रिजेक्ट होगी। इसने पुलिस के प्रेशर के कारण इसको 24 तारीख को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हमने अपने मुकदमे में गिरफ्तार करके 4 दिन के पुलिस रिमांड पर ले रखा था उसको। आज रिमांड का 3रा दिन है। उसमें हमने इससे 1.5 लाख रुपये नकद तो बरामद कर लिया। इसके अलावा इसने कितने इनकम टैक्स रिटर्नें भरी हैं, कितनी इसके पास प्रॉपर्टी है, कितने इसके परिवार में जेवर हैं, उस सारे की हम छानबीन करने लग रहे हैं। इस मुकदमे में 7.5 लाख रुपए का इसके ऊपर आरोप है। टोटल 25 लाख रुपए दे के सुधीर ठेकेदार नाम के आदमी ने रजिस्ट्रियाँ करवाई थी, उसमें से 7.5 लाख रुपए इसके हिस्से माने पाए गए हैं अब तक की तफ्तीश में। उसमें से 1.5 लाख रुपए हमने नकद बरामद कर लिया और बाकी की इसके घर में जितनी प्रॉपर्टी है, जो इसका सामान है, उस सारे के हम वेरिफिकेशन करवाने लग रहे हैं। जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वो रजिस्ट्रियाँ आउट ऑफ लॉ हो रही हैं। कानून के मुताबिक वो रजिस्ट्री ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है उसने कभी कोई बोली नहीं दी, और सरकार के नियम के अनुसार जो नगर परिषद है इसकी ज़मीन की 2 तरीके से बोली हो सकती हैं। या तो 20 साल पुराना कोई किराएदार है, या उसने बोली दे के अपने नाम छटवाई हो और सरकार के सारी किस्तें अदा कर रखी हों। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके अनुसार रजिस्ट्री हो सकती है। जो मेन है सुरेश है, जो अकाउंटेंट था, संजय बंसल नगर परिषद के काफ़ी पुराने कर्मचारी थे, उनको इस शहर के बारे में हर उसका जगह का पता था, कहाँ ज़मीन खाली है, कहाँ कमेटी की है, कहाँ क्या हो सकता है। उन नरी ने आपस में मिली भगत करके, प्रधान नरी ने, उप प्रधान ने और नगर पालिका के अधिकारियों ने इन्हें ये षड्यंत्र रच के ये वो किया। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।